जय हिंद सर, आप यहाँ सुभारती में आए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं डॉक्टर जीपी शर्मा हूँ और ग्रेजुएशन मेरी एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन मैंने जनरल मेडिसिन मेरठ से किया है, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद आई ज्वाइन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, वहाँ से मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन एंडोक्रिनोलॉजी में किया। एमबीबीएस एमडी मेरी 71-79 रही और पोस्ट डॉक्टर जो डिग्री थी वो 82-84 ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दो तीन साल मैंने एम्स में एडॉक्ट लेक्चरशिप काम किया और उसके बाद मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी और तब से मैं 87 से दिल्ली में बेस्ड हूँ और अपनी डायबिटीज़ हॉर्मोन्स की जो स्पेशलिटी आती है एंडोक्रिनोलॉजी उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आप जैसे एंडोक्रिनोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं तो आप थोड़ा अपनी ब्रांच के बारे में थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं? देखो, ये सब्जेक्ट बहुत पुराना नहीं है, जैसे कार्डियोलॉजी है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सुपर स्पेशलाइजेशन हुए, ये काफ़ी पहले से हैं। पहले, बहुत पहले, ये मे बी यू कैन से 80s से पहले 70s में ये जो हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन एंडोक्रिनोलॉजी थी ये मेडिसिन का पार्ट थी। जनरल मेडिसिन में ही लोग डायबिटीज़ को ट्रीट करते थे, पढ़ते थे और थायराइड को भी देखते थे, लेकिन फिर जब थोड़ी सी और एडवांसमेंट सब्जेक्ट में होने लगी, डायबिटीज़ में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ गई, थायराइड में आ गई और हॉर्मोन्स में आ गई, तो फिर इस सब्जेक्ट को एक अलग ब्रांच का दर्जा दे दिया जिसको के नाम दिया गया एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रीन ग्लैंड्स जो है वो एक तरह से डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। जैसे बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक जिनकी डक्ट्स होती हैं, एक डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। तो जितनी भी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, बहुत कुछ कम ग्लैंड्स हैं जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। हॉर्मोन्स को क्यों कहा गया इन केमिकल सब्सटेंसेस को, कि ये ग्लैंड से सिक्रेट हुए, फिर इनका कोई चैनल नहीं होता, ये ब्लड स्ट्रीम में अपने आप फिर ये सर्कुलेट होती हैं। तो ये जो सब्जेक्ट था, ये कौन से 80 के बाद फिर ये काफ़ी विकसित हुआ, डेवलप हुआ, बड़े एडवांसमेंट आए, डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में, उसकी कॉजेशन में भी बहुत फ़र्क आया और थायराइड में भी बहुत डेवलपमेंट हुए। हॉर्मोन्स की टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया, बहुत काफ़ी डेवलपमेंट आया। टेक्निक्स पहले बहुत पुरानी थी, इसके बाद एक टेक्निक रेडियो में ऐसे आई, RIA जिसको बोलते हैं, अब तो सभी लैब उस टेस्ट को काफ़ी फॉलो करती हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट एंडोक्रिनोलॉजी है, यू कैन से कि 50% लैब बैक्ड है, कि आपको डायग्नोसिस के लिए एक बहुत अच्छी लैब बैकअप चाहिए और तभी आप डायग्नोसिस को कर पाएंगे। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं। ये MD के बाद मेरा बड़ा फैसिनेशन रहा कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ूं और इसको, क्योंकि हॉर्मोन्स का जो इंटरप्ले है आपस में, अब इसमें हमारे पास जो केसेज हैं, तो डायबिटीज़ तो बड़ा जनरल काफ़ी हो गया, जो फिजिशियन भी अब ट्रीट करते हैं उसको, ये नहीं कि भाई सुपर स्पेशल वही ट्रीट करेगा, लेकिन थायराइड का स्पेशली उसमें बहुत एडवांसमेंट है, तो उसके लिए हमें पेशेंट्स को अप्रोच करना ही पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रोथ की प्रॉब्लम्स हैं, हाइट की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं मेरी प्रैक्टिस में 87 से अब तक। शॉर्ट स्टेचर वाले बच्चे बहुत आए कि साहब हाइट नहीं बढ़ रही, और उसका फिर अगर हमारे पास में बेस मिलता है कि भाई कोई हार्मोन डेफिशिएंसी है, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स विच कंट्रोल्स द हाइट, लीनियर हाइट को वो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। तो उसकी डेफिशिएंसी इज़ नॉट वेरी प्रिवलेंट, लेकिन पर मिलती है काफ़ी, और अगर आपने उसका डायग्नोसिस कर लिया, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट बच्चा है, इफ़ यू गिव हिम ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन उसको फ़ायदा होता है। बच्चे मैंने एक साल में 12-12 इंच गेन करते हुए देखे हैं। नॉर्मल हाइट गेन जो है नॉर्मली बच्चे की शुरू के एज में 5 सेंटीमीटर्स पर ईयर होती है, अगर डेफिशिएंसी है तो वो रेट कम रहेगा, 1-2 सेंटीमीटर्स पर ईयर रहेगा।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एरिया ग्रोथ का है जो कि आम फिजिशियन उसको नहीं जज कर पाता डायग्नोसिस, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की एस्टिमेशन आपने करनी है, डायग्नोसिस करनी है और फिर ट्रीटमेंट ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन कैसे देना है, वो इंसुलिन की तरह देना होता है, एवरी डे यू हैव टू गिव इंजेक्शन, कॉस्टली ट्रीटमेंट बट रिवार्डिंग, फैंटास्टिक रिजल्ट इफ़ पेशेंट इज ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट, बहुत फ़र्क आता है। तो ये एक एरिया बहुत अच्छा है। इसके बाद एक जो अब काफ़ी प्रॉब्लम आती है अराउंड गोनेड्स, सेक्सुअल हार्मोन्स के अराउंड आती है, मेल्स में इम्पोटेंसी है कि सेक्सुअल पोटेंसी पूरी नहीं है, फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, इसके बाद मैरिज के बाद कंट्रासेप्शन में प्रॉब्लम है के साथ प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले गायनी ने देखा भाई हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ट्यूब सब पेटेंट है, सब चीज़ ठीक है, पीरियड भी ठीक आ रहा है, अब तो कहीं बड़ा सटल कोई डेफिशिएंसी हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस है, तो यू गो टू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो तब हम सेक्स हार्मोन सारे वो देखते हैं पूरे और वी पिनपॉइंट द प्रॉब्लम, मिलती है यू ट्रीट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द हार्मोन के कौन सा हार्मोन ज़्यादा है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है, LHFSH है, ये जो सेक्स हार्मोन्स को पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं। तो डायग्नोसिस करो और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा इसमें, मतलब एक तरह से ये ट्रीटमेंट हमारा एंडोक्राइन का मैथमेटिकल है, गुड रिजल्ट्स, बट यू हैव टू रिलाई ऑन गुड लैब रिपोर्ट्स, वो मिलेंगी, अच्छी रिपोर्ट मिलेंगी, आपको डायग्नोसिस बनेगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो गोनेड्स हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ग्रोथ की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद बोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हार्मोन में आती है, पैराथार्मोन होता है वो बोन्स को कंट्रोल करता है, कैल्शियम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी जैसे पोस्ट मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई लेडीज़ में, इज़ अ कॉमन, ये कोई बीमारी नहीं है, हर लेडी को पोस्ट मेनोपॉज के बाद में कैल्शियम डेफिशिएंसी होनी ही है, मूड चेंजेस हैं, ये है वो है, वो फिजियोलॉजिकल है, बट हाउ टू उसमें कुछ और डेफिशिएंसी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं है, तो वो भी एक एरिया है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसमें हमें बड़े इंटरेस्टिंग एरियाज हैं एंड आप उनको इंटरेस्टिंगली बड़ा देखते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, ट्रीट करते हो एंड देन यू गेट रिवार्डेड इफ़ यू आर वेरी थॉरो एंड सिंसियर। अच्छा सब्जेक्ट है, फैसिनेटिंग है, वेरी गुड सब्जेक्ट है, एंडोक्राइन मेरा तो पैशन रहा है और फ्लेयर है मेरा। मुझे याद है MD में जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर हर्षरूप मित्तल, तो उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा था, कई बार पढ़ाते हुए वो गोनेड्स को, इस तरह का हॉर्मोन्स को पढ़ाते थे, तो वो मुझे बड़ा क्लिक करता था, मैंने कहा ये सब्जेक्ट जो है सर लवली सब्जेक्ट, मैथमेटिकल है, इट्स गुड सब्जेक्ट, इसको पढ़ेंगे, तो मुझे वहीं से वो ललक लग गई थी और मैं ढूंढता रहा कि भाई इसकी स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है। PGI में तब होती थी 80s में, 79 में हमने MD मेडिसिन किया मेरठ से, उसके बाद 80 में मुझे ब्रेक मिल गया एम्स में, आई एंटर्ड एंड देन डिड माई दिस सुपर स्पेशलाइजेशन। जैसे हमारे श्रोताओं को सर ने बताया पैशनेटली अपनी एंडोक्राइनोलॉजी की ब्रांच, आई थिंक हॉर्मोन्स एंड एंडोक्राइनोलॉजी सिंस बर्थ टिल आर ओल्ड एज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे सर ने बताया बचपन में छोटे बच्चों के लिए ग्रोथ हॉर्मोन्स, देन इन एडल्ट लाइफ इट इज द गोनाड्स एंड द सेक्स हॉर्मोन्स, एंड एज वी एज आई थिंक डायबिटीज एंड अदर हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स वी कैन फेस। सर कोई इंटरेस्टिंग केस आप शेयर करना चाहेंगे कुछ, एनीथिंग? इंटरेस्टिंग केस तो ऐसा कुछ अभी मुझे आई कैन नॉट पिन पॉइंट, बट मुझे लगता है कि ग्रोथ हार्मोन की जो मेरी एक तरह से वो रहा है स्पेक्ट्रम पेशेंट्स का, बच्चों का, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। मेरे ख्याल में 25-30 साल में मैंने करीब 50 बच्चे देखे होंगे जिनको मैंने डायग्नोसिस किया ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का, और एक बच्चे को तो ही यूसी वाज ब्रॉट टू मी एट द एज ऑफ यू कैन से 16 और 17, 16-17 साल की एज पे हम कहते हैं कि भाई वो ग्रोथ पूरी हो गई है, अब तो मुश्किल है, नहीं कुछ होगा।
बट दैट चाइल्ड वॉज डेफिशेंट इन ऑल हॉर्मोन्स. उसको 16 17 साल पे 18 पे ना दाढ़ी मूछ थी. ही वॉज डेफिशेंट इन सेक्स हॉर्मोन्स ऑल्सो. वॉज वेरी शॉर्ट स्टेचर्ड, छोटा था बहुत. एंड ही वॉज हैविंग थायराइड हॉर्मोन डेफिशिएंसी ऑल्सो. पैन उसको वो था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड में सभी हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी उसको थी. इंटरेस्टिंग केस बहुत. तो लेकिन एक ये था कि भी एज गड़बड़ है, एज ज़्यादा है 17-18 साल पे, हाइट उसको कैसे देंगे. और चीज़ तो आप उसको दे दोगे, सेक्सुअल डेवलपमेंट दे दोगे, थायराइड की डेफिशिएंसी, हाइट कैसे बढ़ेगी उसकी. तो एज एक तरह से कह लो आप, तीन एज हैं हमारी. एक तो हाइट, एक तो क्रोनोलॉजिकल एज है कि भाई बर्थ एज क्या है, वो तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गई, वो हो गई क्रोनोलॉजिकल एज कि बर्थ से किसका कितना, 16 साल का है 17 का है, वो पेरेंट्स बताएंगे. फिर हम जब उसको एग्जामिन करते हैं तो हम दो एज निकालते हैं, एक बोन एज और एक हाइट एज. हाइट नापते हैं और फिर चार्ट से देखते हैं कि इसकी हाइट एज कितनी है, कि इसकी हाइट इतनी है और उतनी हाइट के बच्चे की, एज के बच्चे की ये हाइट होनी चाहिए, तो उसकी हाइट एज आ गई. इसके बाद हम उसका एक्सरे करते हैं. एक्सरे में भी हम, अगर आप किसी बच्चे का 8-10 साल के बच्चे का एक्सरे मुझे दिखाओ और मुझे ना बताओ कि भाई इसकी एज कितनी है जो है, तो हम उसकी एज को बता देंगे भाई ये इतने साल के बच्चे का एक्सरे है. अगर बच्चा नॉर्मल है तो ये जो कार्पल बोन्स हैं, जैसे 8 कार्पल बोन्स हैं है ना, तो 4 कार्पल बोन 4 साल पे डेवलप होंगी, 5 कार्पल बोन 5 साल पे होंगी, 6 कार्पल बोन 7 साल पे 6 साल पे डेवलप होंगी, 8 कार्पल बोन्स जो है वो 8-10 साल पे डेवलप हो जाएंगी. तो अगर बच्चा आपका आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बाई बर्थ इसकी एज 10 है, और आप उसके एक्सरे में बोन एज एक्सरे वो कार्पल्स देख रहे हो 6, तो डेफिनेटली ही इज़ डेफिशिएंट बाई 4 ईयर्स. तो आपको पता लग गया कि ही इज़ लैगिंग बाई 4 ईयर्स. बोन एज इसकी 6 ईयर्स है एंड ही इज़ बाई बर्थ 10 ईयर्स या 11 ईयर्स, 6-4 साल है. तो ये आपके लिए डायग्नोसिस अगर आपने कर लिया कि बोन एज इज़ लैगिंग बिहाइंड द क्रोनोलॉजिकल, यही प्लस पॉइंट है. उस बोन एज को यू कैन एक्सेलरेट बाई गिविंग, अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है तो वो कैचअप ग्रोथ हो जाएगा. और जो बच्चा 5 सेंटीमीटर पर ईयर गेन करता है नॉर्मली, ही विल गेन डबल द एवरेज, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर. तो वो जो बच्चा मैं बता रहा हूँ उसको हमने क्या किया, पहले उसको थायराइड डेफिशिएंसी ट्रीट करी, थोड़े सेक्स हार्मोन्स के इंजेक्शन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह लगाए उसको, और जब ये थोड़ी सी डेफिशिएंसी कवर हुई ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन शुरू करे. और जो उसकी हाइट गेन हुई है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे याद है विद इन ए स्पैन ऑफ से 1 to 1.5 ईयर्स ही गेन्ड 1 foot, 12 इंच उसने गेन किया. वो क्या उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थी, क्या उसके पेरेंट्स की वो थी कि भाई क्या डॉक्टर साहब आपने किया. तो हमने कहा भाई ये तो इसका लक भी है, ट्रीटमेंट तो हम बहुतों को करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ही हैड बेसिक जो वो थे पॉइंट्स थे कि जो हमें लगता था कि इसको फ़ायदा होगा. बोन एज कम थी उसकी. अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है से 8 साल का भी आता है, छोटा है, उसकी बोन एज 8 ही साल है, यू कॉन्ट डू मच, क्योंकि बोन एज इज इक्वल. तो फिर वो अपनी पोटेंसी पे अपने आप ही बढ़ेगा. यू जस्ट कैन के भाई थोड़े सप्लीमेंट दे दो, कैल्शियम दे दो, देख लो कैल्शियम डेफिशिएंसी, बट हार्मोन डेफिशिएंसी नॉर्मली नहीं होगी अगर बोन एज इज कंसिस्टेंट विद क्रोनोलॉजिकल एज. तो ये एक मोटे मोटे शुरू के प्रिंसिपल्स हैं कि बोन एज आपने देखी बराबर है क्रोनोलॉजिकल एज, देर इज नो डेफिशिएंसी. आप कहोगे भाई बहुत चमत्कारिक फ़र्क तो मैं नहीं कर सकता, थोड़ी सपोर्ट दे सकता हूँ, एक्सलेट थोड़ी हो जाएगी बट नॉट बियॉन्ड, थोड़ी बहुत इस तरह से. तो ये थोड़े क्राइटेरिया इस तरह के हैं. तो वो केस मुझे सिंगल आउट होता है कि ही गेंड रफली 12 इंचेस इन 1 ईयर, नॉर्मली 2 से 3 होता है बच्चा. तो वो ज़बरदस्त उसका फ़र्क था. आज भी भक्त है मेरा वो, तो शादी हो गई उसकी, सब वो है, बट ही विजिट्स मी एवरी 2 to 3 ईयर्स कि भाई वो मैं तो हाँ, और मैं तो, मैंने कहा भाई अब तो तुम ठीक हो, क्यों आते हो, बोले नहीं मंदिर में तो माथा टेकने आना ही पड़ेगा. सर एक और क्वेश्चन जरूर पूछिए. आजकल जैसे थोड़ा इस लाइफस्टाइल जो लोगों का है,
lifestyle diseases have something to do with the like in long run we can contract diabetes or any other hormone related problems? नहीं, मुझे लगता है कि डायबिटीज में तो रहेगा, डायबिटीज में तो पक्का है ही, डायबिटीज में तो है, डायबिटीज में तो आपको अपना डिसिप्लिन में आपका उतना अच्छा वो नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो नेचुरली फर्क तो रहेगा. और हार्मोन्स भी स्ट्रेस रिलेटेड तो हैं, स्ट्रेस रिलेटेड है सब हार्मोन, थायराइड में भी है. इनफैक्ट जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनमें पीरियड्स की रेगुलरिटी आ जाती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो वो स्ट्रेस रिलेटेड. Sir, one more thing, some advice since you are such an experienced doctor. So we have students in the university. Any advice for students in the university about your branch, about, मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आपको पैशन को फॉलो करना है. अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट उनको अपील करता है तो, क्योंकि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो इसे लवली सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और रिवार्डिंग है, तो करना चाहिए इसको. बट वही है कि आपकी वो थोड़ा वो होना चाहिए इंक्लिनेशन. अब किसी की कार्डियोलॉजी है तो ही कैन नो. राइट सर, वेल सेड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय.